आप क्यों रोते हो? हमको बाप नहीं है, हमको बाप नहीं है। कोई तो इधर आता ही नहीं, हमारी कोई मदद ही नहीं करता कोई भी, अल्लाह का सब। हाँ डैडी था, पूछता था, वो भी डेथ उसको भी हो गई। क्यों पैसे नहीं है? नाज़रीन, आज एक बार फिर आपके साथ एक बेबस और बेकस बेवा औरत का दर्द बांटने जा रहे हैं, जो अपने चार मासूम बच्चों समेत कच्ची ईंटों के बने एक कमरे में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। दजना रफियाबाद की ये बदनसीब और बेकस माँ अब जिंदगी के बजाय मौत की तलबगार है, क्योंकि शायद जब ये मासूम खाने के एक नवाली को तरसते हैं तो माँ को ये सब बर्दाश्त नहीं होता होगा। इस माँ के कहने के मुताबिक कभी कभी ये लोग दो दिन के बाद भी खाना खाते हैं, और इन बच्चों की ये बात जिगर को छिन्नी करती है जब इन्होंने कहा कि हमारे पापा नहीं है। कश्मीर क्राउन ने ये फैसला किया है कि आज से दो दिन तक हम कश्मीर क्राउन का अकाउंट इन चार मासूमों की राहत और इमदाद के लिए खुला रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं इरफान तिलगामी। नाज़रीन, अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले हमने एक बाप का दर्द आपसे बांटा था, उस बाप का दर्द जो अपनी नौ बेटियों समेत एक टीन के शेड में जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन नाज़रीन, आज की कहानी उससे भी दुख भरी और दर्द भरी है, क्योंकि आज हम उस बेवा औरत का दर्द आपसे बांटने जा रहे हैं जिसके चार बच्चे, तीन बेटियां और एक बेटा एक ही कमरे में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन, शायद आज की कहानी देखकर आप लोगों को तमाम दुनियावी रिश्तों से आपका भरोसा उठ जाए, क्योंकि शायद जब कोई अपना मरता है उसके बाद कोई नहीं पूछता है। जी हाँ बिल्कुल, इस औरत का खावत जो है वो 2018 में अचानक पेट से गिर गया, उसके बाद उसकी मौत वाकया हुई, और तब से लेकर आज तक इनके कहने के मुताबिक इनका हाल चाल जानने के लिए कोई भी नहीं आया। मैं अपने कैमरामैन को बता दूं कि वो दिखाए कि किस तरह से यहाँ पे जिंदगियाँ मोहताज, बेकसी और बेबसी के आलम में हैं, और ये इसके जो मासूम बच्चे हैं वो भी मैं अपने कैमरामैन को बता दूं कि वो दिखाए आपको किस तरह से वो मासूम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। शायद इनको भी कभी कभार, अब ईद आने वाली है, इनको भी कभी कभार दिल में ये होता होगा कि शायद हमारा पापा आज हमारे लिए कपड़े लाएगा। लेकिन नाज़रीन, कितना दुख उस वक्त इन्हें होता होगा जब इनको ये याद आ जाता होगा कि हमारे पापा नहीं है। बहरहाल हम इनसे बात करेंगे और इनसे इनका जो दुख है वो हम आपके साथ बांटेंगे। लेकिन नाज़रीन, हमें आप पे भरोसा है, हमें पता है कि कई एक लोग हमें फ़ोन करके ये बताएंगे कि जनाब ये कहाँ पे हैं, हम इनकी मदद करने के लिए आएंगे। बहरहाल इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि कब से ये इस बेबसी और बेकसी के आलम में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी काफ़ी टाइम हो गया, इसी तरह कुछ खाने को नहीं है, एक कमरा है, इसी में खाते हैं, सोते हैं, इसी में और कुछ है ही नहीं है। बच्चों को लड़की हैं, ये लड़की है, कहाँ से लाऊंगी मैं माँ के कुछ, और कोई मतलब इतना नहीं करता है, कोई कुछ देता ही नहीं, यहाँ पर रहते हैं, बाथरूम नहीं है, कुछ भी नहीं है। किस तरह से अब इस कमरे में, इसी कमरे में? हाँ यहीं पर, हाँ यहीं पर खाते भी, यहीं पर सोते हैं, और जगह शगह नहीं है, बस यहीं पर रहते हैं, ये एक ही कमरा है हमें और कुछ नहीं है। कितने साल हो गए आपके काम को? त्रे से चार साल हो गए उसको। तब से कोई आपके पास आया? नहीं नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं, किसी ने मदद नहीं की, कोई कुछ नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं, बस एक मीटी शमीटी करते हैं, थोड़ा सा मांग छांग के लाते हैं बच्चों के लिए, बस कपड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, और कुछ है ही नहीं। ये बच्चे पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं, मगर ऊपर गवर्नमेंट स्कूल है वहीं पर डाले, इधर ही कापी शापी मुश्किल हो जाती है, नहीं पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, इनके लिए। बच्चा आप क्यों रो रही हो? हाँ आप क्यों रोते हो? हमको बाप नहीं है,
हमको बाप नहीं है। बाबा नहीं है, रोती क्यों हो? स्कूल जाते हो? पापा की याद आती है? पापा की याद आती है? फिर क्या करते हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं, मांग के लाते हैं तो खाते हैं। क्यों मांग के क्यों लाते? कुछ पूछते ही नहीं हमको। कोई नहीं पूछता। अच्छा आप मुझे बताएं कि जब आपके हस्बैंड की डेथ हुई उसके बाद सरकार ने आपकी कोई मदद की? नहीं नहीं कोई नहीं, किसी ने मदद नहीं की। उसका लाज किया, बस थोड़ी सी जमीन थी वो बेच के उसका लाज किया। वो किसी ने कुछ नहीं दिया, कोई मदद नहीं करती हमारी, कोई पूछते ही नहीं। डैडी था वो भी गुजर गया, वो तो जाती थी तो अब कहाँ जाऊँगी, पूछता नहीं गया भाई ये उसको अपने बच्चे हो मुझे कहाँ पूछेगा। और कोई नहीं है, बस सहारा ही नहीं कोई। बच्चों को लेके मैं कहाँ जाऊँगी, अब छोटी हैं बच्चे हैं, कब बड़े हो जाएंगे फिर क्या करेंगे, पैसा नहीं कुछ नहीं। डर लगता है फिर क्या करेंगे, एक ही कमरा है और कहाँ जाएंगे, बाथरूम नहीं है, नीचे जाना पड़ता है, कोई कुछ नहीं है। बच्चों को ले नहीं, लेट भी नहीं है, लेट भी नहीं है इसमें। फीस कहाँ भरेंगे, पैसा है नहीं तो लेट आ जाएगा, फीस नहीं भरते तो तभी लेट ही नहीं, और कुछ नहीं है। मांग शांग के लाती हूँ तो बच्चों को तो खिलाती हूँ, और क्या है, और कुछ नहीं है। कपड़े मांगते हैं, छोटे बच्चे हैं, आज निकी हैं कल बड़ी हो जाएंगी, कुछ मांगे भी कि मैं जाके क्या करूँगी, दुख होता है। आप अकेली हूँ तो कुछ करो, मगर बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगी, अकेली हूँ, जहर खाने के अल्लाह कसम बोलती हूँ, जहर ही खा के तो मर जाऊँगी, बच्चों को क्या करूँगी। ये तो लड़का है फिर भी कुछ करेगा तो, मगर लड़की छोटी कहाँ जाएंगी, तीन कुछ होता है खाते हैं, नहीं होता है भूखे सो जाते हैं, कोई किसी का नहीं, कोई किसी इधर कोई नहीं मदद करता हमारी, कोई कमेटी करता है। ईद अब ईद आ गई, कुछ सामान शमान चाहिए, बोलते मुझे कपड़े में, मुझे पैसा नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी इनको ले। कोई तो इधर आता ही नहीं हमारी, कोई मदद ही नहीं करता कोई भी, अल्लाह का सब। वहाँ डैडी था पूछता था, वो भी देता उसको भी हो गई। अब रो मत बच्चा, आप क्यों रोते हो, आप क्यों रोते हो, हम आएंगे आपको कभी, अब मत रो। आप रोए मत, पूरा कश्मीर आपके साथ है, हम आप इधर से कोई नहीं पूछता, मैं अकेली औरत हूँ कहाँ जाऊँगी, मकान भी तो नहीं है, यहाँ देव रहे उसकी लड़की की शादी हो जाएगी फिर मैं अकेली रह जाऊँगी, लोग बातें करेंगे, ईद के बड़ी ईद के बाद उसकी शादी होगी, मैं अकेली कहाँ जाऊँगी। नीचे जाती थी डैडी से, वो गुजर गए, अब भाई ये भाई कहाँ पूछेगा, बहनें कहाँ पूछेगा, कोई आते नहीं अल्लाह की कसम, कोई नहीं इधर, लड़की कुछ मांगती हैं। क्यों पैसे नहीं है? हाँ, इधर डर मत लगता है? लगता है। फिर क्या करते हो? बैठे पढ़ते हो? हाँ। कहाँ? बहरहाल नाज़रीन इनका दर्द और दुख देखकर इंसान का कलेजा कटता है। बेशक जब इंसान के अपने ही बिछड़ जाते हैं तो फिर इंसान को कोई पूछने वाला नहीं होता है। ऐसा ही कुछ वाकया रफियाबाद के धजना में है, जहां पे एक बेवा औरत अपने चार बच्चों के साथ एक कमरे में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि उनको आज तक कोई पूछने वाला नहीं आया। क्योंकि अगरचे हम खुद को मुसलमान कहते हैं लेकिन शायद आज तक इनके पास कोई नहीं आया जो इनसे कम से कम पूछता कि आपके घर में खाना है, आपके घर में रोटी है, आपके घर में कपड़े हैं। अब ईद आने वाली है और आज भी इन बच्चों को कोई ये पूछने वाला नहीं है कि आपको कपड़े मत चाहिए, आप ईद पे क्या लगाएंगे। शायद इन बच्चों के दिलों में भी ये शौक होता होगा कि हम भी नए कपड़े लगाएं, हम भी दुकान से कोई चीज़ लाएं, लेकिन जब इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो फिर ये अपने लिए ईद के लिए कैसे कपड़े ला सकते हैं। शायद किसी ने शायर ने क्या खूब ही कहा हो, कहा है कि
आप खुद बताएं कि जिसका जिसके बच्चे भूखे हों, जिसके बच्चे भूख से मर रहे हों, वो दाना लाए उनके लिए या फिर वो पढ़ने के लिए किताबें लाएं। बहरहाल एक लोकल हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे जानेंगे कि इनके ये हालात कब से हैं। हम यहाँ रफियाबाद दाजना से हैं। हमारे अंकल की डेथ 2018 को गई है, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम वो बीमार रहे, 6 महीने के अरसे से श्रीनगर सिक्किम में और बरजल्ला बागत में। तो आखिरकार 25 नवंबर उनकी डेथ हो गई 2018 को। अब जो इनका ख्याल रखने वाला था वो तो नहीं रख पाया, थोड़ा बहुत हम रखते हैं मस्जिद कमेटी से ये गांव के, तो जो हम थोड़ा बहुत चंदा करके इनको ज़रूरियात थोड़ी बहुत हम मैसर कर सकते हैं, लेकिन जो अपना बाप कर सकते वो कोई और नहीं कर सकता है। तो काफ़ी स्ट्रगल ये कर रहे हैं, एक कमरे में ये रह रहे हैं। कितने साल हो गए इनको इसी कमरे में? इनको हो गया पिछले 4 साल से ये इसी कमरे में रह रहे हैं बेचारे। जो इनकी ज़मीन थी कुछ बची कुछी वो हमने बेच दी, क्योंकि अंकल के इलाज के लिए हमने काफ़ी सारा पैसा उनके इलाज के लिए लगा। अब आप क्या चाहते हैं? तो जब मैंने देखा लास्ट पे कुछ नहीं हो पाया हमसे या बाकी जो मस्जिद कमेटी से, सिर्फ इनका खाना, वो भी हमने शायद हम नाकाम रहे, तो उसके बाद मैंने कश्मीर क्राउन से रابطہ किया। मैंने कहा इनको आप इनका हाल खुद ही आकर देखिए। तो इससे पहले भी मैं शुक्रगुजार हूँ कश्मीर क्राउन का, जो यहाँ पे आए इनको देखा और उन्होंने हमें ये दिलासा दिलाया कि हम इनकी मदद करेंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कश्मीर क्राउन का जो यहाँ पे आए और इन्होंने इन बच्चों को ये बताया कि हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। काफ़ी शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ कश्मीर क्राउन का जो यहाँ पे आए और इन बच्चियों का हाल देखा। मुझे खुद आंसू आए क्योंकि इनके कई बार इनको खाना नहीं, रात को नसीब, लेकिन क्या करें, हम तक जो होता है वो हम करते हैं। अभी आपको पता ही है हमारा इलाका जो है इतनी गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटी नहीं है, मुलाजिम नहीं है जो हम इनको दे सकें, लेकिन जान तक है हम करते हैं। तो हम कश्मीर क्राउन का शुक्र है कि इनको इसी 4 साल हो गए इसी एक कमरे में हैं। इनको किसी टाइम पाँव में चप्पल भी नहीं होती और खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अब कौन डेली आए जो इनको देखे? एक बाप ही अपना है जो इनको देखता है अपने बच्चे को, कोई दूसरा नहीं देख सकता। जो देगा चावल 1 kg या 2 kg देगा, लेकिन उसके साथ तेल, सब्ज़ी, हल्दी, मिर्ची कहाँ से लाएंगे? ये अभी हम भी कितना करेंगे, हमने जहाँ तक हो सका हमने किया, लेकिन हम ये बोलते हैं, हम पूरी आवाम से बोलते हैं कि पूरे अपने भाइयों से बोलते हैं, आज रमज़ान के महीने किसी सदके अपना सदका या अपने दिल को पूछिए कि इन बच्चों के हाल के इनको छत या इनको एक कमरा बना के हम दे सके। लेकिन हमारे इस गांव में इतनी हिम्मत नहीं है, ये कश्मीर क्राउन खुद देखें कि कोई मुलाजम इसमें नहीं है, 2 या 3 मुलाजम, बाकी सब अपनी मजदूरी करते हैं, मजदूरी पे हम इन बच्चों को हाल नहीं कर सकते हैं। तो मैं अपने पूरे कश्मीर से, पूरे अपने अवाम से गुजारिश करता हूँ कि आप इस रमज़ान के सदके इनको मदद करें और इनको छत दें। हम तो इनके बाप का वो प्यार नहीं दे सकते या वो नहीं कर सकते, लेकिन हम बोलते हैं कि जितना भी आपसे हो सकता है वो इन बच्चों को करें, ताकि इन बच्चों को, लड़के होते तो कोई नहीं, लेकिन लड़कियां हैं, लड़कियों को एक माँ एक कमरे में पालना या इनकी परवरिश करना बहुत ही मुश्किल है। मैं कश्मीर क्राउन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, इस पूरे गाँव और पूरा ये मोहल्ला बहुत बहुत शुक्रगुजार है। लेकिन मैं फिर एक बार अपने पूरे भाइयों कश्मीर से गुजारिश करता हूँ कि इस रमज़ान के सदके और अपने उस नबी के सदके इन बहनों का, ये बहनें हैं, ये हमारी बहनें हैं, इनका आप ख्याल रखो और इनको आप कुछ ना कुछ करो जो भी हो सकता है। शुक्रिया। नाज़रीन एक बार आपको बता दूं कि ये आप देख सकते हैं कैसा हाल है इनका, कसम पुरसी की हालत में ये लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि एक बेवा है, ना ही इसके पास कोई ज़रिया है आमदनी का, ना ही ज़मीन है, नहीं बागात है कम से कम उससे अपना गुजारा करती। नाज़रीन हमने आपको पहले भी बताया था कि शायद हमारे इस समाज में कई एक माएँ ऐसी हैं जो अपनी असमत बेचने के लिए तैयार होती हैं, क्योंकि उनके पास कोई सहारा नहीं होता है। नाज़रीन आज आपको करके दिखाना है, आज आप लोगों को इन बच्चियों को अपनाना है, आज आप लोगों को इनकी मदद के लिए आना है।
वरना कल को रब जलाल के दरबार में हम सबको जवाबदेह होना है। और आज जो है माह मुबारक का महीना है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इनकी मदद करेंगे ताकि ये इस कसम पुरसी की हालत जो है इनकी ये ठीक हो जाए, और कम से कम हम एक कमरा या दो कमरे इनके लिए बनाएं जिसमें ये आसानी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, और जो इनकी बच्चियां हैं कम से कम उनकी तालीम उन्हें मैसर हो, वो तालीम पढ़ सकें, वो आगे बढ़ सकें। क्योंकि नाज़रीन आप खुद जान सकते हैं, आपको पता भी है कि किस तरह से ये बच्चियां जो है ये छोटी ही रहने वाली नहीं है, इनको कल बड़ा होना है, ये कल बालिग होगी, उस वक्त फिर उन्हें मजबूर ना होना पड़े कोई गलत काम करने के लिए। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप सब लोग इनकी मदद करें, क्योंकि कश्मीर क्राउन ट्रस्ट का अकाउंट जो है दो दिन तक यानी कि 48 घंटे तक इनके लिए खुला रहेगा। उस दौरान आप अपने खैरात और सदकात जो है वो उस अकाउंट में जमा कर सकते हैं ताकि इन लोगों की मदद हो सके। बहरहाल नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, वीडियो जर्नलिस्ट बासित अमीन के साथ, अल्लाह आपका हामी और नासिर, जम्मू और कश्मीर जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन अगरचे आज माह मुबारक का महीना है, ये महीना रहमतों और बरकतों का महीना है, लेकिन आज भी कई एक लोग बेबसी और बेकसी के आलम में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज भी हमारे इर्द गिर्द कई एक लोग ऐसे हैं जिनके घर में शायद खाने के लिए कुछ भी नहीं है। नाज़रीन अगर हम कश्मीर क्राउन ट्रस्ट की बात करें तो कश्मीर क्राउन ट्रस्ट में इस वक्त हज़ारों की तादाद में लोग रजिस्टर हैं जिन्हें या तो अद्वियात चाहे, जिन्हें या फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत है। नाज़रीन इस हवाले से आप सबसे गुजारिश है कि जिस तरह से आप कश्मीर क्राउन ट्रस्ट की मदद करते आए हैं, उसी तरह से आप आज भी कश्मीर क्राउन ट्रस्ट की मदद करें ताकि हम इन लोगों की मदद कर सकें। आपका अपना इदारा कश्मीर क्राउन ट्रस्ट।